अब हम आउटपुट प्लॉट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट प्लॉट आता है वो कुछ किस तरह का, हम जो इनपुट सिग्नल देते हैं उसके बाद आउटपुट कैसी आती है इन टर्म्स ऑफ प्लॉट हम देखते हैं। तो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम को, जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वाई एक्सिस पे, और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया। ठीक है, हमने इनपुट सिग्नल जो दिया है वो टाइम वेरिंग सिग्नल है, ठीक है, जिसकी पीक वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू वीएम है, और हमने क्योंकि पीस वाइज लीनियर मॉडल लिया है, हम बैरियर वोल्टेज को भी साथ में ले लेते हैं कि हमारे पास यहां कहीं पे इन केस ऑफ सिलिकॉन इट्स 0.7 वोल्ट वीबी एंड इन केस ऑफ जर्मीनियम इट्स 0.3 वोल्ट। तो इन केस ऑफ पीस वाइज लीनियर मॉडल अगर हम देखें आउटपुट को, तो हमने कहा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा आउटपुट में, अगर मैं यहां से ड्रॉ कर लूं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वीबी और ये जो कर्व पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मैं नीचे की तरफ एक्सिस पे ले जाता हूं, और जहां पे ये ओरिजिनल सिग्नल एक्स एक्सिस के साथ कर रहा है उसको भी नीचे की तरफ मैं ड्रॉ कर लेता हूं। इसी तरह ये जहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ओरिजिनल सिग्नल, और जबकि ये वी बी जहां पे कट कर रहा है इसको भी एक्सटेंड करता हूं टूवर्ड्स डाउन और ओके। अब देखते हैं पीस वाइज लीनियर मॉडल मॉडल के लिए है ये, जिसमें हमारे पास आउटपुट वोल्टेज V इनपुट माइनस वी बी के इक्वल आई है, और V I लेस देन वी बी होगा तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी 0 वोल्ट के इक्वल आएगी। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पे इनिशियली वी आई जो है वो लेस देन 0 है, तो हमारे पास क्या होगा लेस देन वी बी है, वी आउट इज लेस देन वी बी तो हमारे पास 0 है, फिर यहां से आउटपुट ग्राफ आया, फिर यहां पे 0 है क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल है, और ये 0 ठीक है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से ये कंडक्ट करेगा और ऐसे ये हमारे पास 0 0 नेगेटिव हाफ साइकिल पीस वाइज लीनियर मॉडल। यहां पे हमारे पास वी आउट इज इक्वल टू 0 है, जबकि यहां पे हमारे पास वी बी माइनस वो वी इनपुट माइनस वी बी आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है, और अगर हम आइडियल मॉडल की बात करें तो हमारे पास आउटपुट करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, आइडियल के केस में हमें पता है कि वी आउट इज इक्वल टू वी इनपुट होती है, वी आउट इज इक्वल टू वी इनपुट, और इन केस ऑफ पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, जबकि वी आउट इज इक्वल टू 0 है इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल या ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन। तो वी बी हमारे पास 0 है इन केस ऑफ आइडियल मॉडल, तो ये हमारे पास शुरू से ही कंडक्ट करेगा, और यहां पे हमारे पास 0 आएगा, और यहां से फिर कंडक्ट करेगा, और यहां पे 0 आएगा, ये हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगी। अब इसी को आगे लेकर हम चलेंगे कि हम एक हाफ साइकिल में 0 पाई और 2 पाई, ये हमारा एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ है, और इसको हम टी टाइम पीरियड से भी शो कर देते
और जब हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हमारे पास डीसी आउटपुट, हम यहां से वोल्टेज निकाल सकते हैं, एवरेज करंट या डीसी करंट या एवरेज वोल्टेज या डीसी वोल्टेज, हम इस कर्व से को इंटीग्रेट करके एरिया अंडर द कर्व निकाल के हम इस आउटपुट कर्व से निकाल सकते हैं डीसी करंट को और वोल्टेज।